जनाब सदर मजलिस मेहमान खुसूसी पुरशुरकाए रेफरेंस अस्सलाम वालेकुम। मेरी यह खुशकिस्मती रही कि मैं उसी शहर में पला बड़ा जिस शहर को आज भी नाज है, जहाँ जमशेद खान दुखी पैदा हुआ था। 1992 की मैं बात कर रहा हूँ, 1992 की बात है। अदब से मेरा दूर दूर तक न उस वक्त ताल्लुक था न अब ताल्लुक है, अदब से कोई ताल्लुक तो नहीं है। अलबत्ता जमशेद खान दुखी साहब के साथ एक खास ताल्लुक रहा है, उसी ताल्लुक की बुनियाद पर हम ज़रा उनकी शख्सियत पर बात करेंगे। 1992 की बात है, गालिबन हम सातवीं या आठवीं जमात में पढ़ते थे। उस ज़माने में उर्दू न हमें पढ़नी आती थी न हम लिख सकते थे, लेकिन हमें एक उस्ताद मैसर आए थे उस ज़माने में। उनका ताल्लुक हल्का अरबाब ज़ोक से था, बुनियादी तौर पर वो हज़ारे से थे और गिलगित में सेटल थे, हारून और रशीद साहब। उन्हीं के जवां हमने पहली बार गिलगित बल्तिस्तान के कुछ शोरा के नाम सुने स्कूल एरा में। उनमें जमशेद खान दुखी साहब का नाम हमने सुना था कि वो एक नौजवान शायर है, गिलगित बल्तिस्तान का उभरते हुए नौजवान शायर, क्योंकि 1992 आज से 28-30 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त वो नौजवान शायर होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आने लगी कुछ प्रोग्रामात के अंदर या मुशायरों के अंदर हमने बराह रास्त उन्हें सुना भी। सन 2002-03 की बात है, उस ज़माने में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक सियासी इतिहाद बना था गिलगित बल्तिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से, क्योंकि उस इतिहाद के जो चेयरमैन थे वो इनायतुल्लाह शुमाली साहब थे और शुमाली साहब का ख़ुद ताल्लुक भी हल्का अरबाब ज़ोक ही से था, वो शायर थे अदीब थे। इसी बुनियाद पर उस पीरियड के दौरान हमारी ज़्यादा इंट्रैक्शन रहने लगी जमशेद खान दुखी साहब के साथ। उससे भी बढ़ के क्योंकि जिस मोहल्ले में दुखी साहब पैदा हुए थे, जहाँ आज वो दफन है, वो मोहल्ला है कशरोट। कशरोट से मेरा भी बहुत पुराना ताल्लुक था, क्योंकि जमशेद खान दुखी साहब जिस कब्रिस्तान में दफन है, वहाँ पर मेरे जिगरी दोस्त आबिद अब्दुलमनान भी दफन है। वही आबिद अब्दुलमनान जिनकी वहाँ पर इस्लामी कुतुब की दुकान हुआ करती थी। सन 2000 से लेकर 2007 तक अक्सर शाम के अवकात में मैं वहाँ बैठता था, तो दुखी साहब के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन उस ज़माने में हुई। देखें वो कितने बड़े शायर थे, शोरा ने बात की, आने वाले शायर हजरत उस पर बात करेंगे उनका अदबी मुगाम के हवाले से। मुझे उनसे इसलिए मोहब्बत थी कि उसे अपने वतन से मोहब्बत थी। ये हमारा मुझे देखें, बहुत सारे लोगों ने लिखा जमशेद खान दुखी गिलगित बल्तिस्तान के मज़हमती कौमी शायर, वो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि वो रियासत जम्मू कश्मीर व अक्साइ तिब्बतहा की तीनों इकाइयों के मुत्तफिका कौमी मज़हमती शायर में उनको करार देता हूँ। क्यों? देखिए, दुखी साहब ने हर अहद के अंदर हालात के मुताबिक उन्होंने शायरी फरमाई। जिस ज़माने में PTV के ऊपर श्रीनगर का जबर दिखाया जा रहा था, श्रीनगर के अंदर इंडियन आकुपेशन दिखाई जा रही थी, तो आम आदमी उससे बड़ा मुतासिर था, लेकिन जमशेद खान दुखी के अंदर अदीब एक हसास शायर था, वो मुहिब वतन शहरी था, तो उसने उस वक्त कहा, उधर कश्मीर में क्या था वो शेर, यहाँ मतलब बादल ने किया है, यहाँ मुसलमानों ने लूटी है आज़ादियाँ मेरी, वहाँ पे वो कंपेयर करवाते हैं कि श्रीनगर से कुछ अच्छे हालात गिलगित के भी नहीं हैं। ये उस अहद में वो कहते हैं। जब क्या कहते हैं, 1988 से ऑनवर्ड 2014 के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान आग में सुलग रहा था, तो उसी वक्त उसने कहा मैं काफ़र हूँ अगर इस्लाम ये है। ये कहने पर क्यों मजबूर हुए? ये ऐसा कहने पे इसलिए मजबूर हुए कि मस्जिदों से फतवे जारी होते थे, काफ़र काफ़र, शिया काफ़र, काफ़र काफ़र, सुनी काफ़र। उनको काउंटर करने के लिए कहा अगर शिया को काफ़र करार दे के कोई सुनी मुसलमान है, या सुनियों को काफ़र करार दे के कोई शिया खुद को मुसलमान समझता है, तो वो इस्लाम से ही अल्लाह तआलुकी का ऐलान करते हुए नज़र आते हैं उस अहद के अंदर। वो उनका रिएक्शन है, फिरकावारियाना अप्रोच के ख़िलाफ़ उनका वहाँ हमें रिएक्शन नज़र आता है। सबसे जो बड़ी क्रेडिट मैं उनको देता हूँ जमशेद खान दुखी साहब को, एक तो और बात है ना कि हमारे यहाँ अदब बहुत देर से परवान चढ़ा। मेरे ख्याल में इस वक्त सीनियर तरीन शायर ताज साहब मौजूद हैं, अल्लाह इनको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे दे। मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के अदबी हलकों के अंदर हसन शाद साहब के बाद
दूसरा बड़ा जो वाक़ा हुआ ये दुखी साहब की मौत को हम दूसरा बड़ा सानहा करार दे सकते हैं, क्योंकि इनसे पहले इशाद साहब भी गुजरे थे जो इनके सीनियर थे। बहुत सारे बातों पर उनको क्रेडिट दिया जा सकता है। जो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं उनको दूंगा कि उसने मेरे हुसैन को हम सबका हुसैन बनाया, ये सबसे बड़ा क्रेडिट है जमशेद खान दुखी का। क्यों? हमारे यहाँ खिलाफत और इमामत की वाजा तकसीम थी, वाजा तकसीम। उस तकसीम को की वजह से ये कहा जाता था मेरा हुसैन के नाम पर मखसूस इलाकों के अंदर, मैं खुल के कहूँगा असना शरी हलकों के अंदर, इस्माली हलकों के अंदर मेरा हुसैन डिस्कस होता था। मेरे हुसैन को जमात खाना और इमाम बारगाह से उठा के सिटी पार्क कशरौड़ गिलगित लाके कहा हमारा हुसैन। उनका जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो हमारा हुसैन। गिलगित बल्तिस्तान के जो अदबी हलके हैं, ताज साहब यहाँ पर मौजूद है, अमीन ज़िया साहब हो, गुलाम अब्बास नसीम साहब हो, जितने हमारे शायर अदीब हैं, इन सब की खिदमत रही है गिलगित के अंदर पीस को रिस्टोर करने में, इन सब की खिदमत रही है। लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा जो खिदमत रही है वो दुखी साहब की ही रही है, क्योंकि मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है कशरौड़ से, मैं वहाँ के माहौल से वाकिफ़ हूँ, मेरा ज़्यादा आना जाना होता था। अपने क्लोज सर्कल के अंदर, अपने शक के अंदर उनके बारे में अजीब वगैरह प्रोपेगेंडे किए जाते थे कि इन्होंने फ़िरका बदला है, गिलगित जल रहा है, कोई आम कशरौड़ का आदमी नगरल मोहल्ले में नहीं जा सकता। तो ऐसे वक्त में वो मजीनी मोहल्ले में या नगरल में अमीन ज़िया के घर से निकलते थे, वो दनियोर में गुलाम अब्बास के घर से निकलते थे। तो उनकी जो उनको मेन ट्रिब्यूट में पेश करूँगा कि फ़िरकावारियत के ख़ात्मे और कौम को यकजा करने के लिए उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को तारीख के अंदर सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। हमारी एक बड़ी बदकिस्मती ये रही है, हालांकि थोड़े बहुत पढ़ने वढ़ने का शौक़ हम भी रखते हैं, मुझे पहली बार हसन शाद साहब का जो कलाम गालिबन हलका अरबाब ज़ौक ने उनकी रहलत के बाद वो कलेक्ट करके कहीं कुछ किताबचे के शक्ल में छपवाया था, अब जाके पढ़ने को मुझे मिला। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही है जो प्रो क्या कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट टाइप की लोग होते हैं, शायर अदीब होते हैं, उनकी तो महीनों में दो दो किताबें आ जाती हैं, तीन तीन किताबें आ जाती हैं, जो अच्छे शायर गुजरे हैं, भले उनका ताल्लुक यहाँ पंजाब से हो, पाकिस्तान के अंदर की बात करें, हिंदुस्तान के अंदर की बात करें, मुजफ़राबाद की करें या गिलगित की करें, वहाँ पर जो ओरिजिनल जो बड़े शोरा है, हमारे बड़े शोरा की उनकी ज़िंदगी में बदकिस्मती से किसी का भी कलाम छप नहीं सका। ये हमारी बदकिस्मती है कि मेरे ख्याल में दुखी साहब के भी किताबी शक्ल में अब तक कलाम नहीं आया है। उसके बावजूद भी जमशेद खान दुखी गिलगित बल्तिस्तान का वो शायर है जो सारी यूथ को अजबर है, तमाम लोगों को अजबर है, क्योंकि हमने जब तलबा सियासत शुरू की 1996-97 में, आज से 24-25 साल पहले, तो हम कोई भी तकरीर करने जाते थे तो जो हमारे अहद के लोग थे, जो नेशनलिस्ट माइंड या पेट्रियाटिक माइंड के जितने लोग थे, हम आगाज़ ही जमशेद खान दुखी की शायरी से, हमने अपनी सियासत का आगाज़ भी हमने जमशेद खान दुखी की शायरी से किए थे। देखिए, अब गिलगित बल्तिस्तान की जो डिस्प्यूटेड पोजीशन है, क्योंकि मेरा ताल्लुक सियासत से है तो उनकी शायरी को मैं सियासत के पैरामीटर्स में देखूँगा। गिलगित की बदकिस्मती ये रही है कि गिलगित किसका है इसका डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, हिंदुस्तान कहता है गिलगित मेरा है, पाकिस्तान कहता है गिलगित मेरा है, जम्मू कश्मीर की दिगर इकाइयों का कहना ये है कि गिलगित बल्तिस्तान इनका इंटीग्रल पार्ट है, और गिलगित के अंदर भी डिफरेंट आवाज़ें मुख्तलिफ किस्म की निकलती है। इसके ऊपर ही तो जमशेद खान दुखी ने कहा था, मेरी धरती तू मेरी आबरू है, तेरी तस्वीर पहम रूबरू है, और उसके जो आखिरी मिसरा है जिसमें कहता है कि मेरी माँ तू बता किसके बहू है। अब मेरे ख्याल से सियासत के अंदर जो जो जिन लोगों को अपनी शनाख्त जिन लोगों को अपनी शनाख्त अजीज़ है, उनके लिए भी क्या कहते हैं इनका ये शेर मेरे ख्याल में हर एक को अजबर भी है। और जमशेद खान दुखी गालिबन 64 साल या उनकी उम्र हुई थी, उनके अजदाद मुनकसिम रियासत जम्मू कश्मीर व अक्सर तिब्बत कि एक इकाई से माइग्रेट करके दूसरी इकाई में आए हुए, कोई गालिबन वो बहुत पुराने नहीं थे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो उनकी आमद जो है ये कोई 100 साल के करीब, राउंड अबाउट 100 साल के करीब उनकी बनती थी। ठीक है कि नहीं है? उसमें क्या कहते हैं, वो गिलगित की सरजमीन उनके खून में रची बसी थी,
उन्होंने जितना कलम उठाया गिलगित के लिए उठाया, शायरी के अलावा, क्योंकि किसी ज़माने में अखबारात के लिए हम भी कलम वगैरह लिखा करते थे, एक ज़माने में मुतवातिर कलम भी लिखते रहे हैं दुखी साहब। दुखी साहब ने अपने लिए कुछ नहीं लिखा, अपनों के लिए यानी अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं लिखा। जमशेद खान ने जो कुछ लिखा वतन के लिए लिखा, क्योंकि वतन ही उनकी पहचान थी। बहुत सारे लोगों को ये खुशी है कि वो गिलगित में पैदा हुए होंगे। मेरे ख्याल में गिलगित को उम्र भर ये फ़ख्र रहेगा कि जमशेद खान दुखी गिलगित में पैदा हुआ था, गिलगित में ही दफन है। ये गिलगित की खुशी है कि जमशेद खान दुखी गिलगित में पैदा हुए और गिलगित में दफन हुए। हमारे नौजवान नस्ल के लिए उनके अंदर एक पैगाम ये था कि वो अपनी आइडेंटिटी का जो क्राइसिस था, शनाख्त का जो क्राइसिस, उस क्राइसिस की तलाश में उन्होंने 40 साल तक शायरी की, अपने लोगों के बंद जहन के बंद रिशू को खोलने की कोशिश की। तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूशन हमारा ट्रिब्यूट उनके लिए ये होगा कि हम उनके चलाए हुए मिशन पर कायम रहते हुए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को फ़िरकावाद से निकाल कर एक कौम बनाने में हम कामयाब हुए, तो उसी को हम ट्रिब्यूट समझेंगे कि जमशेद खान दुखी का जो हम पर हक रहता था वो हक हम अदा कर सकेंगे। मैं अब हमारी रिवायात है कि हमारी रिवायात ये है कि कोई भी शख्स मुझ जैसा भी दुनिया से गुजर जाता है तो सारे लोग उसकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं और बहुत ज़्यादा मुतासर उससे नज़र आते हैं। जमशेद खान दुखी उन खुशकिस्मत लोगों में से था जिसको उनकी ज़िंदगी में ही प्यार मिला, मोहब्बत मिली, ट्रिब्यूट मिला। मैं रिवायतन उनके ख़ानदान से ताज़ियत नहीं करूँगा, मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताज़ियत करूँगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का बेटा था जमशेद खान दुखी। इसलिए मतलब कोई बेअदबी हुई है तो माज़रत चाहूँगा। जमशेद खान दुखी पर लिखा जाएगा, जमशेद खान दुखी को पढ़ा जाएगा, जमशेद खान दुखी को सुना जाएगा।